हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के जो फाइनल डेट्स जो हैं वो आ चुके हैं। 10 नवंबर को एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, तो आपकी जो प्रिपरेशन है इसको फाइनल टच देने के लिए, स्पेशली कंप्यूटर साइंस की जो है, आप इस वीडियो के एंड पे एनालिसिस कर पाएंगे अपनी प्रिपरेशन की, क्योंकि इस वीडियो में हमने सभी जो SBI, IBPS, JK, SSB के क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उनको हमने कंपाइल किया इस वीडियो में। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को आप देखिए और ट्राई टू आंसर, और लास्ट पे अपना जो स्कोर है वो ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर किसी भी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन द वीडियो। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है IBPS 2015 के एग्ज़ाम में फ्रेंड्स, और यह है VLSI टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन डेज जनरेशन कंप्यूटर्स। जैसा कि आपको पता होगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI का फुल फॉर्म जो है, तो ये जो टेक्नोलॉजी थी ये कौन सी जनरेशन में यूज़ हुई थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ या नन ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स, गेस कीजिए इसका आंसर। तो इसका फाइनल आंसर जो है फ्रेंड्स, राइट आंसर है फोर्थ जनरेशन में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, इंटीग्रेटेड चिप्स और ICs वायर टू बी इन यूज फ्रॉम विच जनरेशन? कौन सी जनरेशन से IC यानी इंटीग्रेटेड चिप्स का जो यूज़ है वो शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शंस हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन। सो फ्रेंड्स, इसका आप आंसर गेस कीजिए। फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन ये रहा, विच अमंग द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज इन एन कंप्यूटर स्क्रीन? तो कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या है, यूनिट, पिक्सल, एरे या रेजोल्यूशन या क्लिप? सो फ्रेंड्स, गेस कीजिए इसका राइट आंसर। और इसमें जैसे कि मेमोरी में स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो है बिट, तो इसी तरह से कंप्यूटर स्क्रीन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो है वो है पिक्सल। जितनी पिक्सल ज़्यादा होगी और उसकी रेजोल्यूशन अकॉर्डिंगली ज़्यादा होती है कंप्यूटर स्क्रीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज़ कैप्स लॉक की रेफर टू एज टॉगल की? जो कैप्स लॉक आपने कंप्यूटर के जो कीबोर्ड में देखी होगी, तो उसे टॉगल की क्यों कहा जाता है? इसके ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर हैं और राइट आंसर जो है वो आप गेस कीजिए। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर जो है वो है बिकॉज इट इज़ फंक्शन गोज बैक एंड फोर्थ एवरी टाइम इट इज़ प्रेस्ड, क्योंकि इसका फंक्शन जो है वो अल्टरनेट होता जा रहा है। कैप्स लॉक को हम यूज़ करते हैं जो लेटर्स के फॉर्मेट है कैपिटल और स्मॉल को इंसर्ट करने के लिए, तो एक बार जब हम प्रेस करते हैं तो कैपिटल लेटर्स हम इंसर्ट कर सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब प्रेस करेंगे तो स्मॉल लेटर्स हम इंसर्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बैक एंड फोर्थ, इसमें फंक्शन अल्टरनेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट टाइप ऑफ कीज और कंट्रोल एंड शिफ्ट? गेस कीजिए इसका आंसर। ऑप्शंस हैं एडजस्टमेंट कीज, फंक्शन, मॉडिफायर कीज, अल्फा न्यूमेरिक या नन ऑफ दीज? फ्रेंड्स, कंट्रोल एंड शिफ्ट कीज़ जो है वो, उन्हें मॉडिफायर कीज़ भी कहा जाता है। सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट? CPU जो होता है कंप्यूटर का, जो उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं इनमें से? ऑप्शन ए, मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, फ्लो कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट या डी, इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन यूनिट या ई, नन ऑफ दीज? सो फ्रेंड्स, आप गेस कर सकते हैं और इसका आंसर जो है वो कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड टू एक्सेस ए फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर स्टोर? यानी कि इनमें से कौन सी जो कमांड है उससे हम एक्सेस कर सकते हैं फाइल को कंप्यूटर की स्टोरेज से? ऑप्शन ए इज़ इंसर्ट, बी इज़ रिट्रीव,
सी इज़ फाइल, डी इज़ प्रिंट, ई इज़ फाइंड. सो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ई, यानी कि फाइंड. किसी भी फाइल को एक्सेस करने के लिए हमें फाइंड कमांड यूज़ करनी पड़ती है. क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ फास्टेस्ट. तो इनमें से फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है जो ज़्यादा पहले किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करने के लिए या कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले यूज़ की जाती है, वो फास्टेस्ट मेमोरी है. ऑप्शंस हैं सीडी रोम, रैम, रजिस्टर्स या कैचे. सो फ्रेंड्स, राइट आंसर इज़ रजिस्टर्स. रजिस्टर्स की मेमोरी जो है वो फास्टेस्ट है और ये कमांड की एग्जीक्यूशन में यूज़ होती है. फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन अ कॉपी ऑफ इंस्ट्रक्शन इज प्लेसड इन. यानी कि जो भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है या कमांड एग्जीक्यूट होता है तो इसकी कॉपी कहाँ पे जो है सेव की जाती है, स्टोर की जाती है. ऑप्शंस हैं रजिस्टर, बी है रैम, सी है सिस्टम हीप, डी है कैचे और ई है रोम. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एलिमिनेशन का भी यूज़ कर सकते हैं. जो ऑप्शंस गलत हैं तो उन्हें एलिमिनेट कीजिए पहले, तो फिर फाइनली आप जो है मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो है वो गेस कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कैचे मेमोरी, यानी कि ऑप्शन डी. तो यहाँ पे स्टोर होती हैं इंस्ट्रक्शंस. क्वेश्चन नंबर 10 है, ए सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशन इज टू परफॉर्म इज कॉल्ड. यानी कि रूल्स होते हैं और ये कंप्यूटर को ये बताते हैं कि कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है. ऑप्शन है प्रोसीजरल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्स, नेचुरल लैंग्वेज, कमांड लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो गेस कीजिए और इसका ऑप्शन आंसर जो है वो कमेंट करके बताइए. फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यही है सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर को ये बताते हैं कि कौन सा ऑपरेशन है जो एग्जीक्यूट करना है या परफॉर्म करना है. क्वेश्चन नंबर 11, फ्रेंड्स, इन प्रोग्रामिंग रिपीटिंग सम स्टेटमेंट्स इज यूजुअली कॉल्ड. अगर किसी भी प्रोग्राम में कोई हमें रिपीट करने हैं स्टेटमेंट तो उसे क्या कहते हैं. ए ऑप्शन लूपिंग, बी सेंट्रल स्ट्रक्चर, सी कंपाइलिंग, डी स्ट्रक्चर, ई नन ऑफ दीज. सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2013 में. इसका आंसर जो है राइट आंसर फ्रेंड्स वो है लूपिंग. यानी कि अगर आप किसी प्रोग्राम को रिपीट करेंगे तो उसके लिए लूपिंग का यूज़ होता है. क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये क्वेश्चन SBI क्लर्क 2014 में पूछा गया है. ऑप्शंस हैं फॉरटेन, बी ऑप्शन है सी लैंग्वेज, सी है कोबॉल, डी है प्रोलॉग या ई नन ऑफ दीज. फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल यूज़ होता है सभी तरह की नई टेक्नोलॉजीज़ में. तो इसमें जो राइट आंसर जो है, जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो है ऑप्शन डी, यानी कि प्रोलॉग. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13, हार्ड ड्राइव इज़ यूज्ड टू स्टोर. ए ऑप्शन वोलेटाइल डेटा, बी नॉन वोलेटाइल डेटा, सी परमानेंट डेटा, डी टेम्पोरेरी डेटा, ई इंटरमीडिएट डेटा. सो फ्रेंड्स, एलिमिनेशन यूज़ करके यहाँ पे जो आंसर है उसे गैस कीजिए और आंसर्स को साथ ही साथ फ्रेंड्स आप अपनी नोटबुक में मार्क भी कीजिए ताकि आप इसके जो है काउंट कर सकें आपका स्कोर. सो फ्रेंड्स, हार्ड ड्राइव जो है वो यूज़ की जाती है, राइट आंसर इज़ परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पैक्ट प्रिंटर. फ्रेंड्स, इनमें से इम्पैक्ट प्रिंटर वो है जो रिबन से जो है स्ट्राइक करके फिर वापस पेपर पे जो है स्ट्राइक करता है और इमेज जो है वो क्रिएट करता है.
सो फ्रेंड्स, इसके जो ऑप्शंस हैं, डेजी व्हील प्रिंटर, बी है इंक जेट प्रिंटर, सी है बबल जेट प्रिंटर, डी है लेज़र प्रिंटर। ये एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया था। फ्रेंड्स, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डेजी व्हील प्रिंटर। ये जो है इम्पैक्ट प्रिंटर है, और इम्पैक्ट प्रिंटर जो है ये ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं। ये उनकी कॉस्ट जो है वो लेस होती है, चीप कॉस्ट में मिलते हैं, लेकिन नॉइज़ करते हैं और इनमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ द कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। ए ऑप्शन इज मेगाहर्ट्ज़, बी इज कैरेक्टर्स पर सेकेंड, सी इज नैनो सेकेंड्स, डी इज बिट्स पर सेकेंड्स, ई नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, ये IBPS 2015 में पूछा गया था। और फ्रेंड्स, आपको इसमें ये बताना है कि डाटा ट्रांसमिशन में कौन से यूनिट्स जो हैं इनमें से यूज़ होते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है, आप सभी को पता होगा कि जब भी हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं स्मार्टफोन से या अपने पीसी से, तो वहाँ पे जो है डेटा की ट्रांसमिशन है उसे हम मेजर करते हैं KBPS या MBPS, लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो इस वजह से इसका आंसर है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 16 है ICMP, सो एब्रिवेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ICMP स्टैंड्स फॉर, सो ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल है, और इसका जो फुल फॉर्म है ये IBPS RRB 2016 में पूछा गया है। फ्रेंड्स, इसके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं, और गेस कीजिए और इसका आंसर जो है वो नोट कीजिए। फ्रेंड्स, राइट आंसर जो है इसका ICMP का वो है इंट्रानेट, यानी कि कंफ्यूज करने के लिए आपको ये यूज़ किया गया है इंटरनेट का। यहाँ पे इंट्रानेट है राइट आंसर, इंट्रानेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। सो राइट आंसर इज डी। फ्रेंड्स, IBPS में ही मेंस में 2016 में पूछा गया एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ VOIP। ये 4G टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड एक टर्म है। तो ऑप्शंस हैं ए वॉइस ऑफ इंटरनेट पावर, बी है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, सी है वॉइस ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल, डी है वेरी ऑप्टिमाइज्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल, ई है वेरी ऑप्शनल ऑफिशियल इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो फ्रेंड्स, इसमें इसका जो राइट आंसर जो है वो है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो ये LTE टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड है, और इसका राइट आंसर है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज, कौन सा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट में यूज़ किया जाता है, यानी कि ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट या वन कंप्यूटर और द अदर। तो कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ होता है कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करने के लिए। SBI 2015 में पूछा गया है। ये ऑप्शंस हैं TCP/IP, बी है जावा, सी है HTML, डी है फ्लैश, ई है नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो यही है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो इंटरनेट में यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19, विच फॉलोइंग इज़ वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन। सो फ्रेंड्स, इनमें से डोमेन नेम जो है वो कौन से हैं। इंटरनेट में आपने पढ़ा होगा कि डोमेन नेम्स जो हैं वो एक URL के लास्ट पे जो है वो यूज़ किया जाता है, और उससे एक्सेस कर पाते हैं आप पर्टिकुलर वेबसाइट को। सो फ्रेंड्स, इसमें है .edu, बी है .org, सी है .com, .com, डी है .net। राइट आंसर इज फ्रेंड्स ई, ऑल ऑफ दीज। सो इसमें सभी जो हैं ये डोमेन के एक्सटेंशन को डिफाइन करते हैं।
ये सभी डोमेन एक्सटेंशंस यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, IBPS 2015 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर क्लोजिंग ए टैब ऑन ए ब्राउजर। सो फ्रेंड्स, ये शॉर्टकट्स को लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस वाई, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस ए, सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, डी ऑप्शन कंट्रोल प्लस टी, या ई, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स गेस कीजिए इसका राइट आंसर। तो अगर आपको कोई भी टैब जो ओपन है, कोई भी विंडो ओपन है, तो उसे अगर क्लोज करना है ब्राउज़र में, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का। इस शॉर्टकट को यूज़ करके आप उसको विंडो को, उस टैब को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 21st, IBPS मेंस 2016 में पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग की कैन बी यूज्ड एज शॉर्टकट टू रीनेम ए फोल्डर इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 8 एंड हायर वर्जन्स। सो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम या उससे हायर जो वर्जन्स हैं उनमें अगर आपको रीनेम करनी है कोई फाइल, तो कौन सा शॉर्टकट आप यूज़ करोगे? ऑप्शन ए F2, ऑप्शन बी F4, ऑप्शन सी F6, ऑप्शन डी F9, या ई F11। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, वो है आप यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन ए, यानी कि F2 को प्रेस करके आप रीनेम कर सकते हैं कोई भी फाइल। क्वेश्चन नंबर 22 फ्रेंड्स है, विच की इज़ यूज्ड टू डिलीट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द करंट पोजीशन। फ्रेंड्स एक कैरेक्टर अगर आपको डिलीट करना है, तो आप किसी डॉक्यूमेंट में एक अगर कैरेक्टर डिलीट करना है, तो कौन सी की जो है वो आप यूज़ करेंगे? ए है बैकस्पेस, बी है डिलीट, सी है इंसर्ट, डी है ESC और ई है कंट्रोल। फ्रेंड्स इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आप गेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बताइए। राइट आंसर जो है फ्रेंड्स वो है बैकस्पेस, यानी कि ऑप्शन ए। इससे हम एक करेक्टर जो है वो डिलीट कर सकते हैं करंट पोजीशन के, ये वहाँ से डिलीट होगा जहाँ पे आपने कर्सर को प्लेस किया है। फ्रेंड्स ये सभी जो हैं ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, और इससे आपको इसकी जो लेवल है वो मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट जो है इन्होंने रखी है। और फ्रेंड्स इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि JKSSB में कौन से क्वेश्चन किस लेवल के जो हैं आ सकते हैं, और ये क्वेश्चन जो हैं बहुत बार रिपीट भी हो चुके हैं। फ्रेंड्स इनके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अपनी जो है परफॉर्मेंस को, साथ में नोट क्वेश्चंस को, अपनी रिस्पॉन्स को नोट करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 23, टू मेक ए कॉपी ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट टू डिस्क। यानी कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया है, उसमें आपने कोई काम किया है उस पर या एडिट किया है, तो फ्रेंड्स आपको इसकी कॉपी सेव करनी है एज ए कॉपी, यानी कि ओरिजिनल कॉपी जो है वो अनएडिटेड वो भी रहनी चाहिए, और जो आपने इसमें ऐड किया है कोई टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट, तो ये एज ए कॉपी सेव होना चाहिए। तो इसके लिए कौन सी ऑप्शंस आप यूज़ करोगे? ए है यूज़ द सेव कमांड, बी है यानी कि ऐसा हो नहीं सकता, दिस कैन नॉट बी डन, सी है डुप्लीकेट कमांड, डी है कॉपी द डॉक्यूमेंट, या ई है सेव एज कमांड। फ्रेंड्स ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो अगर आपने यूज़ किया होगा ये जो ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अगर हमें कॉपी सेव करनी है, ओरिजिनल जो कॉपी है उसे प्रिजर्व करके रखना है, और कॉपी जो है अलग से सेव करनी है, तो हमें यूज़ एज जो है कमांड, सेव एज कमांड वो यूज़ करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है क्वेश्चन नंबर 24, दिस इज़ नॉट ए फंक्शन कैटेगरी इन एक्सेल। तो फ्रेंड्स एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑफिस का एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसमें
आप कौन सी फंक्शनल फंक्शन कैटेगरी है जो नहीं एग्जिस्ट करती है, यानी कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हैं तो अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी होती है या आपको जो है कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो उसमें आपको डिफरेंट फंक्शंस ऑप्शन के फंक्शन ऑप्शन के अंडर जो है इनमें से कौन सी जो है ऑप्शन नहीं प्रोवाइड की जाती। ए है लॉजिकल लॉजिकल फंक्शन, बी है डाटा सीरीज फंक्शन, सी है फाइनेंशियल, डी है टेक्स्ट फंक्शन या ई नन ऑफ दीज, यानी कि सभी इनमें से प्रोवाइड की जाती हैं एक्सेल में। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है डाटा सीरीज। ऐसी कोई भी फंक्शन जो है एक्सेल में प्रोवाइड नहीं की जाती। टेक्स्ट फंक्शन प्रोवाइड की जाती है, लॉजिकल भी प्रोवाइड की जाती है, फंक्शनल फंक्शन भी प्रोवाइड, फाइनेंशियल फंक्शन भी प्रोवाइड की जाती। तो इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, 25th क्वेश्चन जो है वो है द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू व्हिच यू एंटर डाटा इन एक्सेल इज कॉल्ड। IBPS 2014 में पूछा गया है। तो ऑप्शंस हैं ए टैब, बी सेल, सी बॉक्स, डी रेंज या ई नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, इसमें जो बॉक्सेस जो हैं ग्रिड फॉर्मेट में एक्सेल के जो बॉक्सेस हैं जिनमें आप डाटा को फिल करते हैं फ्रेंड्स, वो न्यूमेरिक डाटा भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है या अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है जिसमें टेक्स्ट और नंबर्स भी हो सकते हैं कंबाइनड। तो उस ग्रिड के उस पर्टिकुलर जो है डाटा के लिए बने हुए होते हैं तो उसके लिए उसको टर्म यूज़ की जाती है बॉक्स, यानी कि इन बॉक्सेस में आप डाटा जो है वो स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 फ्रेंड्स, डैश इज यूज्ड टू मूव ए डॉक्यूमेंट अप एंड डाउन और लेफ्ट एंड राइट ऑन द स्क्रीन। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन के और लेफ्ट साइड में या बॉटम पे आपने देखा होगा वहाँ पे आपको ऑप्शन प्रोवाइड की जाती है रिबन लाइक, तो उस पे आप क्लिक करके जो है इसको जो है पेजेस को अप और डाउन मूव कर सकते हैं फ्रेंड्स विद द हेल्प ऑफ माउस। तो उसे क्या कहा जाता है, ये जो बार यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है दो साइड्स पे, तो इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है टाइटल बार, बी स्टेटस बार, सी फॉर्मूला बार, डी स्क्रॉल बार या ई नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, ये जो रिबन लाइक बार जो है प्रोवाइड किया जाता है तो इससे आप पेज चेंज करते हैं, तो ये यूज़ किया जाता है स्क्रॉल करने के लिए। सो फ्रेंड्स, इसे स्क्रॉल बार भी कहा जाता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 27th क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा द वेरी टॉप ऑफ द पेज इन ए डॉक्यूमेंट इज़ नोन एज। जो टॉप पेज जो है डॉक्यूमेंट के अपीयर जो होता है डॉक्यूमेंट पे, तो उसे किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है फुटर, बी है हेडर, सी है टैब स्टॉप, डी नेविगेशन, ई नन ऑफ दीज। सो फ्रेंड्स, ये IBPS 2015 में पूछा गया था। तो राइट आंसर जो है फ्रेंड्स वो है हेडर, यानी कि जो फ्रंट पे अपीयर होने वाला पेज है उसे हम हेडर भी कहते हैं। फ्रेंड्स, 28th क्वेश्चन जो है वो है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से जो भी हैं वो जो भी ऑप्शंस हैं इनमें से जो ऑप्शंस हैं वो आपकी डेटा सिक्योरिटी यानी कि कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए खतरा है एक्सेप्ट एक के बगैर, तो वो कौन सा है। फ्रेंड्स, वायरसेस जो है जैसा कि आपको पता है ये थ्रेट हैं कंप्यूटर के लिए। ऑप्शन बी है हैकर्स, सी है स्पैम। तो हैकर्स वो हैं जो इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, मेलवेयर को, ट्रोजन्स को, वायरस को आपकी जो है कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए, तो ये भी थ्रेट है। वायरसेस तो है ही थ्रेट, आइडेंटिटी थेफ्ट भी आपके लिए थ्रेट है क्योंकि आपकी प्राइवेसी को खतरा है उससे। सो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है स्पैम, यानी कि स्पैम में आपकी जो है
रियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी को ख़तरा नहीं है, ये आपको मिसलीड करने के लिए जो मैसेजेस या कॉल्स आती हैं तो वो स्पैम के अंडर कैटेगराइज की जाती हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। फ्रेंड्स 29th क्वेश्चन जो है वो है द कन्वर्सेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इनटू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड। फ्रेंड्स ये सिक्योरिटी के रिलेटेड जो है क्वेश्चन है, IBPS 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है बायोमेट्रिक्स, बी है एनक्रिप्शन, सी है कंप्रेशन, डी है एनकैप्सुलेशन या ई नन ऑफ दीज। सो फ्रेंड्स अगर हमें कोई भी कन्वर्सेशन जो है वो सिक्योर करनी होती है तो अपने व्हाट्सएप में देखा होगा वहाँ पे एंड टू एंड एनक्रिप्शन जो है वो व्हाट्सएप की जो ये है अपीयर होता है चैट बॉक्स में, आपने देखा होगा दिस चैट इज़ एनक्रिप्टेड फ्रॉम एंड टू एंड। तो उसमें एनक्रिप्शन जो है वो आपकी कन्वर्सेशन को किसी भी थ्रेट से या एक्सपोजर से बचाता है, तो एनक्रिप्शन इज़ द राइट आंसर ऑप्शन बी। सो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन इस कंप्यूटर सीरीज का वो है ए कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड और सॉफ्टवेयर इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट ए कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस इज कॉल्ड। यानी कि ये कलेक्शन है हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का, इसमें दोनों हैं और इसका मकसद है आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी कि मैलवेयर से या आइडेंटिटी थेफ्ट से या हैकर से। तो इनमें कौन सी ऑप्शन है जो कि कम्बिनेशन है हार्डवेयर की भी और सॉफ्टवेयर की भी और आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है? ए है मेलवेयर, बी बोटनेट, सी वर्म, डी मदरबोर्ड। मदरबोर्ड तो हो नहीं सकता फ्रेंड्स, वर्म भी जो है ये नहीं हो, ये तो प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करती। मालवेयर तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं होता कंबाइनड। सो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ई फायरवॉल। सो फ्रेंड्स ये थे 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और फ्रेंड्स आई होप आपको हेल्प मिली होगी इन 30 क्वेश्चंस से, आप एक्सेस कर पाए होंगे अपनी परफॉर्मेंस को। फ्रेंड्स जो अपना स्कोर है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो के बारे में अपनी जो है ओपिनियन वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।